हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी निश्रेया फैमिली में। आज निश्रेया किचन में हम बना रहे हैं आपके लिए केमिकल फ्री फूड कलर्स, पर्पल, पिंक, टर्कोइज एंड ब्लू। इन कलर्स को आप यूज कर सकते हैं किसी भी खाने में, केक आइसिंग्स एंड फ्रॉस्टिंग्स में। और मजे की बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए कुछ बहुत मेहनत नहीं करनी, बस एक बेस कलर तैयार करना है और उस बेस कलर में मजे से करेंगे कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स और बनाएंगे डिफरेंट कलर्स। और इस बेस कलर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामान भी नहीं चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए केवल रेड कैबेज। तो रेड कैबेज से ही इतने सारे कलर्स बन सकते हैं, पक्की बात है, ये सुनकर के आपको यकीन नहीं होता होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, देख के यकीन कीजिए। तो हम ले रहे हैं एक रेड कैबेज, इसको हाफ कट कर देंगे, तो केवल हाफ कैबेज ही काम में ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो रेड कैबेज को पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लें। अगर आप सोच रहे हैं कि रेड कैबेज इतनी सुंदर दिख रही है, इतना प्यारा इसका कलर है, तो क्यों ना इसको ग्राइंड करके इसका जूस निकालें और उसे ही खाने में काम में ले लें। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रेड कैबेज को ग्राइंड करके उसका जूस निकाल करके उसे किसी भी खाने में मिलाते हैं तो उससे रेड कैबेज का फ्लेवर उस खाने में जरूर आएगा। पर जिस तरह से हम कलर बना रहे हैं वैसे ही अगर आप फॉलो करेंगे तो केक में या आइसिंग में इसका कोई फ्लेवर नहीं आएगा। तो चलिए कैबेज को कट कर लिया है, अब एक पैन लेंगे और उसमें लेंगे एक ग्लास पानी और इसमें डालेंगे आधा चम्मच चीनी। चीनी से जब कैबेज को हम बॉईल करेंगे तो कैबेज का कलर जाएगा नहीं, उसका कलर रिटेन रहेगा, यानी वो पर्पल कलर उसका मेंटेन ही रहेगा। तो चीनी डालेंगे, अब इसमें कैबेज डाल देंगे। और अब इसको ढक करके 15-20 मिनट के लिए पहले मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और फिर फ्लेम को कर देंगे लो, और 15 मिनट इसको और लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो कुल मिला के आधा घंटे के लिए इसको हम गैस पे रखेंगे। शुरू के 15 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे रखें और लास्ट के 15 मिनट इसको मीडियम लो फ्लेम पे रखें। बीच बीच में इसको चेक जरूर करते रहें कि इसका पानी खत्म नहीं हो जाए। अगर आपको लगे कि इसका पानी बहुत ज्यादा इवेपोरेट हो चुका है तो इसमें थोड़ा सा पानी और मिला लें। शुरू में पानी इतना डालना है कि पूरी कैबेज पानी में डूबी रहे, तो पानी इसमें होना चाहिए ताकि कैबेज का पूरा जूस, उसका पूरा कलर पानी में आ सके। आधे घंटे बाद में आप देखेंगे कि कैबेज का पूरा कलर पानी में आ गया है और इस तरह की कैबेज लाइट कलर में दिखने लग गई है। अब इसके पानी को छान लेंगे और जो कैबेज बचेगी, इस कैबेज को आप काम में ले सकते हैं, इसकी सब्जी बना सकते हैं, या फिर इसको ग्राइंड करके आटे में मिला लें और इसके पराठे या रोटी सेक लें। तो चलिए अब ये हमें इसका जूस मिल गया है, लेकिन ये भी बहुत लिक्विड है, इतनी लिक्विड कंसिस्टेंसी को हम कलर के लिए यूज नहीं कर सकते, तो इसे अभी हम गाढ़ा करेंगे। तो इसे वापस पैन में डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। इसमें थोड़ी सी चीनी और मिला दें ताकि कलर इसका मेंटेन रहे, तो आधा चम्मच चीनी इसमें मिलाएंगे। अब इसको चलाते रहेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर इसको रिड्यूस करना है। तो इसे हमें तब तक रिड्यूस करना है जब तक कि ये 3-4 चम्मच के करीब जूस नहीं रह जाता। तो अब आप देखेंगे काफी रिड्यूस हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी काफी गाढ़ी हो गई है, काफी थिक कंसिस्टेंसी का हो गया है। इसे अब एक बोल में निकाल लेते हैं। तो ये हमें मिला है बेस कलर, इसका नेचुरली कलर पर्पल है, तो इसको पहले पूरी तरह से ठंडा हो जाने दें। और अगर आप इसको रेफ्रिजरेट करके स्टोर करना चाहते हैं तो इसको एक बॉटल में भर करके रेफ्रिजरेट करके रखें। इसे 15 दिन तक आप रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। और अगर आप इसको हाथों हाथ काम में लेना चाहते हैं केक फ्रॉस्टिंग्स के लिए, तो इसको कैसे काम में लेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग। तो शुरुआत करेंगे थोड़े थोड़े कलर को इसमें डाल करके। तो थोड़ा कलर डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। तो अभी आप देखेंगे बहुत लाइट शेड है, तो इसका अगर आपको थोड़ा सा और डार्कर शेड चाहिए तो थोड़ा सा कलर इसमें और मिलाएं और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो जैसे जैसे आप जितना जितना कलर इसमें मिक्स करते जाएंगे, इसका शेड डार्क होता चला जाएगा।
तो जितना कलर आप मिलाएंगे उस हिसाब से पर्पल कलर डार्क होता जाएगा। तो आपको अगर लाइट पर्पल चाहिए तो कम कलर मिलाएं, और अगर डार्क कलर चाहिए तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा कलर मिलाएं, या डिफरेंट शेड्स पाइपिंग बैग में फिल करके आप मल्टी शेड्स में आइसिंग भी बना सकते हैं। तो ये डार्क पर्पल तैयार हो गया है। तो ये तो हुआ पर्पल कलर और इसके डिफरेंट शेड्स। अब हम बात करेंगे इसी बेस कलर में हम और दूसरे कलर कैसे बना सकते हैं। तो थोड़ा सा कलर एक स्पून में लें और बहुत जरा सा बेकिंग सोडा डालें और इसको मिक्स करें। तो देखिए ये कलर चेंज हो गया है ब्लू में। इसमें अब थोड़ा सा बटर आइसिंग मिक्स कर लें। आइसिंग हम व्हाइट वाली नहीं काम में ले रहे हैं, लाइट पर्पल कलर की आइसिंग ही इसमें मिक्स कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कलर बहुत ही सुंदर टर्कोइज कलर बना है। इस कलर को आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, यानी 5-6 मिनट में इसका कलर चेंज होने लगता है। तो इसी तरह से ब्लू कलर हम एक बार और बना रहे हैं, और इसमें हम मिलाएंगे आइसिंग, और आइसिंग की क्वांटिटी रखेंगे थोड़ी सी ज्यादा। तो आप देख सकते हैं दोनों कलर्स में डिफरेंस आ गया है। कलर चेंज होने में टाइम लग जाता है, तो 10 मिनट तक वेट करें। और अब एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। एक बोल में मैंने पहले का कलर बनाया हुआ है वो ले रहे हैं। इसमें 1 चम्मच लेमन जूस डालें, और लेमन जूस डालते ही आप देखेंगे इसका कलर पिंक हो जाएगा। इसका कलर हो गया है पिंक। अब इससे भी आप आइसिंग में मिला सकते हैं और पिंक कलर की आइसिंग बना सकते हैं। तो हमने डिफरेंट शेड्स देखे, कलर के केवल कम या थोड़ा सा और ज़्यादा मिला देने पर उसके शेड्स चेंज होने लगते हैं, और बेकिंग सोडा के भी कम या ज़्यादा होने पर इसका कलर वेरी करने लगता है ब्लू और टर्कोइज के बीच में। चलिए अब इन कलर्स को काम में लेते हैं और आइसिंग बनाते हैं। तो एक पाइपिंग बैग में हर कलर की आइसिंग में से 1-2 स्पून आइसिंग इसमें डालें। तो अलग अलग स्टेजेस में डालेंगे, पहले एक कलर की 1-2 स्पून डालेंगे, फिर दूसरे कलर की 1-2 स्पून डालेंगे। तो ऐसे मल्टीपल कलर की आइसिंग हमने इस पाइपिंग बैग में फिल कर ली है, और अब इससे हम कपकेक्स को डेकोरेट करेंगे। तो इतने सारे कलर्स एक कपकेक पे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो है ना परफेक्ट रेसिपी कलर्स की, और वो भी तब जब होली आ रही है। तो आप होली पे ये कलरफुल कपकेक्स बना करके मेहमानों को सर्व करें। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और निश्रेया ग्रुप के सदस्य बनने के लिए हमारे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए आप हेल्दी खाएं और स्वस्थ रहें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द वीडियो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।